नासिक महाराष्ट्र से मैं चित्रकार संजय साबे। हिना भट आर्ट वेंचर्स में मुझे आमंत्रित करने के लिए श्रीमती हिना भट मैडम और उनके टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। कोविड-19 और लॉकडाउन में इस कठिन स्थिति में हिना जी ने चित्रकारों को बहुत बड़ा सहयोग दिया है, इसके लिए सभी चित्रकारों की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे पेंटिंग में प्लेन टोन के साथ स्क्रैच पोत का यूज़ करता हूँ। जहाँ पर पोत चाहिए उस जगह पर रंग सूखने से पहले ही कटर से कलर निकाल कर लाइट मिडल शेड का टोन बनाता हूँ। रंग सूखने पर कटर से मुझे जो पोत चाहिए वो मिलता नहीं है, इसलिए काम में स्पीड रखना होता है। साथ ही कटर पर बैलेंस रखकर स्क्रैच लेना होता है, वरना कैनवास फटने का डर ज़्यादा होता है। स्क्रैच लेने से ग्राफिक का फील मिलता है, किसी को धागे धागे से जोड़कर पेंटिंग बनाई ऐसा फील मिलता है। ये टेक्निक में काम देखने में भी और काम करने में भी अच्छा लगता है। इस टेक्निक की शुरुआत पहले 6 इंच से 12 इंच तक छोटे कैनवास पर पेन से लाइनिंग में पेंटिंग करता था, पर बड़े कैनवास पर काम करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तभी मुझे लगा था कि ऐसा ही रिजल्ट मिलने के लिए दूसरे माध्यम का यूज करना चाहिए, उससे काम में स्पीड और फोर्स मिले। कुछ टाइम नाइफ का, नुकीले टूल्स का यूज़ किया, पर मुझे जो चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा था। ऐसे ही पेंटिंग करते करते पेंटिंग का कुछ हिस्सा मैंने कलर से मिटा दिया था और उसके ऊपर कटर से स्क्रैच किया था। तभी मुझे जो चाहिए वैसी शार्प लाइन, फोर्सेबल लाइन्स उसमें दिखाई दी। तभी से मैंने छोटे छोटे कैनवास पर कटर से काम करने शुरू कर दिया था। उसमें बहुत से कैनवास फटने लगे, तभी हाथ फटने लगे। फिर भी मुझे कटर स्क्रैच में ही काम करना है, ये सोचकर उसी पर सोच समझकर काम करने के बाद मुझे अच्छा रिजल्ट मिलने लगा। तब से इसी स्क्रैच टेक्निक में फाइनल पेंटिंग काम करने शुरू कर दिया। अभी तक इसी टेक्निक में ब्राइट टाइम, गौतम बुद्धा, गणेशा, गाय बैल और मदर एंड चाइल्ड, इन सीरीज में मैंने काम किए हैं। फिर एक बार हिना मैडम और उनके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ ऐसे ही सभी चित्रकारों को अच्छा प्लेटफॉर्म आपकी तरफ से मिलते रहे। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। Thank you.